जो महिलाएं सावन के महीने में ऐसे रंग के कपड़े पहन लेती हैं, वो अपने पति की उम्र को कम कर देती हैं। उन्हें माता लक्ष्मी और माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे परिवार में न केवल धन की कमी होती है बल्कि आए दिन लड़ाई झगड़े, मन मुटाव और कलेश लगातार बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप एक महिला है तो आपको आज की इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने महिलाओं को सावन में कौन से रंग के कपड़े पहनने के लिए मना किया है और कौन से गहने किस रंग के साथ पहनने से उनके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ आ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि श्रृंगार करना महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है और महिलाओं के पहने हुए गहने भी उनके श्रृंगार में ही शामिल होते हैं। महिलाएं अक्सर सावन के महीने में शोला श्रृंगार करती है और माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। ऐसे में कहा जाता है कि जो महिलाएं कुछ विशेष गहने पहन लेती है, कुछ विशेष कपड़ों के रंग के साथ श्रृंगार करती है, तो उन पर माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा बरसती है और ऐसी महिलाओं के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लेकिन कई ऐसे गहने भी होते हैं और कई ऐसे रंग के कपड़े भी होते हैं जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए और इन्हीं के बारे में गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान अपने भक्तों को बताया है। हमारे गुरुजी का कहना है कि सावन के महीने में महिलाओं को हरे रंग का श्रृंगार करना चाहिए, हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। जो महिलाएं सावन के महीने में काले रंग के कपड़े पहनती हैं, ऐसी महिलाओं को माता पार्वती की क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि काला रंग सुहाग के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए भूल कर भी महिलाएं सावन के महीने में काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ सावन के महीने में आप काले रंग की चूड़ियां भी बिल्कुल ना पहने, क्योंकि सावन के महीने में धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। ऐसे में अगर आप हरे रंग की चूड़ियां पहनती है तो आपकी चूड़ियों की खनक से आपकी जिंदगी खुशहाल रहती है, आपके पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है। वही काले रंग की चूड़ियां आपके कुंडली में शनि देव को न्योता दे सकती है, जिससे आपके बीच कलेश बढ़ सकते हैं और आपके घर में धन की हानि हो सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ गुरु जी ने महिलाओं को लाल रंग की बिंदी लगाने के लिए कहा है। जो महिलाएं फैशन के चक्कर में काले रंग की बिंदी लगा लेती हैं, ऐसी महिलाओं का भाग्य कमजोर हो जाता है और उन्हें मंगल ग्रह के दोष झेलने पड़ सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ गुरु जी का कहना ये भी है कि सावन के महीने में महिलाएं भूल कर भी किसी और स्त्री का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर ना लगाए। महिलाओं को कभी भी अपना सिंदूर किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही किसी से मांग कर अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि सावन के महीने में वो अपने पति से अपनी मांग जरूर भरवाएं और अपने ही पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर इस्तेमाल करें। इसी के साथ गुरुजी का कहना ये भी है कि सावन के महीने में महिलाएं पैरों में सोने के आभूषण बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि ये आपकी आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं होता। सोने का संबंध भगवान विष्णु से होता है और अगर आप नारायण को पैरों में पहनती हैं तो माता लक्ष्मी इससे आपसे क्रोधित हो सकती है, इसीलिए महिलाएं सावन के महीने में सोने के आभूषण पैरों में भूल कर भी ना पहने। गुरुजी का कहना ये भी है कि सावन का महीना सुहागिनों का महीना होता है, महिलाएं इस महीने में मेहंदी लगाएं, पूरा श्रृंगार करें और हो सके तो लाल और हरे रंग का श्रृंगार को आवश्यक रूप से करें और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी किस्मत के लिए ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए ये उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे।